माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपको शाहिन रियाज वर्ल्ड की तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा वेलकम। आज मैंने सोचा अपनी स्टाइल की मैं आपको दही के मतलब कढ़ी बनाऊँ ना। तो अच्छा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे बताऊँगी ताकि ये आसानी से थोड़ा सा समझ आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने लिया है एक पाव दही लिया है, और 1.5 कप यानी 1.5 कप मैंने बेसन लिया है। ऑयल हमें कुक करने के लिए चाहिए होगा। अच्छा जी, लहसुन अदरक पेस्ट 1/1 टीस्पून लेना है। ठीक है, यानी टोटल मिलाकर 1 टेबल स्पून हो जाएगा। 1 टीस्पून मैंने एक ही साथ पीस लिया था लहसुन अदरक को। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में जो हम लोग करते हैं ऑयल ऐड करके, 1 टीस्पून मुझे मेथी दाना लेना है। ठीक है, और स्पाइस में मुझे लेना है हल्दी लेनी है, 1 टीस्पून मैं हल्दी लूँगी। ठीक है, और 1 टेबल स्पून किसी भी लाल मिर्च लूँगी, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लूँगी, नमक 1.5 टीस्पून। आप अपने हिसाब से ऑल चीज़ जो है स्पाइस कम ज़्यादा प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छा मैं क्या करूँगी, अभी ये सारी चीज़ों को तमाम को पहले मिक्स करूँगी, फिर आपके सामने कुक करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब मैं बेसन को बेसन में तमाम स्पाइस ऐड करूँगी जो आपको बताया था। अब हमने एक बोल लिया, उसमें हमने दही ली, और ये मैंने दही एक दिन पहले मंगवा के रख ली थी। मुझे बल्कि हम सबको ऐसा करना चाहिए कि दही खट्टी लेनी चाहिए, तो उसकी बहुत अच्छा सा जो है ना कढ़ी बनता है। और जो बेसन में जो ऑलरेडी जो हमने स्पाइस डाले हुए हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे और अच्छे से बीट करेंगे ताकि एक स्मूथ सा बन जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने सॉस पैन रखा और फ्लेम को फुल किया। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ऑयल ऐड किया, और ये मैं पानी मिलाकर आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ये हम लहसुन अदरक जब डाल के भुनेंगे, ऑयल पहले ऑयल डालेंगे, फिर मेथी दाना डालेंगे, फिर लहसुन अदरक डाल के थोड़ा सा भुनेंगे, फिर ये मसाला डालेंगे। इससे कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने ये ऐड किया है। चलें आगे देखिए। थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी। अब हम अपना स्मूथ सा जो बीटर हमने बना के रखा हुआ था, अब वो ऐड करके इसको अच्छी तरह पानी डालेंगे और उसको खोलाएंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे। अच्छा जी, अब हमें पकोड़े के लिए तैयार करनी है, तैयारियाँ करनी है। 2 कप मैंने बेसन लिया है, इसमें पहले हम तमाम स्पाइस ऐड करके पानी डालकर जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उसका एक अच्छा सा बीटर बना लेंगे। ठीक है, अब मैंने 1 टीस्पून हल्दी लिया है, 1.5 टीस्पून किसी भी लाल मिर्च लिए है, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत धनिया, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, पिंच ऑफ अजवाइन, और 1/2 टीस्पून मैंने मीठा सोडा लिया। ये ऑल स्पाइस जो है मैं इसमें बेसन में ऐड करूँगी पानी के साथ, जितने हमें नीड होगी। ठीक है, अच्छा फिर बाद में हमने क्या ऐड करना है, एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज लिया है, एक मैंने आलू लिया है, और हरी धनिया, हरी मिर्च आपके अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग योर टेस्ट। अच्छा जी, अब हमें तड़के के लिए ऑयल, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ती लिए है मैंने अपने हिसाब से 11-12, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैंने भी इसी तरह 8 से 9-10 इस तरह मैं साबुत मिर्चें लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ये कड़ी पत्ती और साबुत मिर्चें ना ज़्यादा पसंद है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, और स्पाइस मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, चलिए इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अच्छा सा मैं बीट कर लूँगी। जितना हमें पानी लेंगे उतना हम पानी लेंगे,
बेसन में मैंने ऑल स्पाइस ऐड करा और अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं पानी ऐड करके उसको अच्छा सा मिक्सर अच्छा सा स्मूथ सा मैं मिक्सर बनाऊंगी ताकि बेहतरीन पकौड़े बने। एक मैंने प्याज का टुकड़ा ऐड करके देखा, हाँ फ्राई हो गया, तो फिर मैंने ऑल पकोड़े को डालकर इसको फ्राई कर रही हूँ। दोनों साइड से गोल्डन हो जाएगा, टर्न कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है हमें, और ताकि अच्छा सा स्मूथ सा हमारा सॉफ्ट सा पकोड़े बने। और मैं जैसे ही पकोड़े फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं कढ़ी में ऐड करूँगी। हमारी कढ़ी पकौड़े तैयार है। आपको भी कहते हैं बहुत डिलीशियस यमी बनते हैं, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, अनुभव आपको पसंद आएगा। और इसी तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे खास तौर में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आप उधर भी जरूर करें। और मेरे चैनल जो नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो प्लीज़ मेरे व्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।